हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिवाइन स्पोर्ट्स। इंडियन फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करने वाली है अपकमिंग किंग्स कप 2023 में। किंग्स कप 2023 जो कि 7-10 सितंबर के बीच थाईलैंड में होस्ट किया जाएगा और इसमें पार्टिसिपेट होने वाली टीम्स का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। किंग्स कप 2023 में इंडिया के अलावा थाईलैंड जो कि होस्ट कंट्री होगा, इसके अलावा UAE और लेबनान की टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो यह इंडियन फुटबॉल टीम के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AFC एशियन कप 2023। हम जानते हैं UAE की टीम एशिया की काफ़ी अच्छी टीम है। UAE की फीफा रैंकिंग 70 है और बात करें थाईलैंड और लेबनान की तो थाईलैंड की फीफा रैंकिंग 111 है और लेबनान की फीफा रैंकिंग 100 है। तो ये दोनों टीमें भी काफ़ी अच्छी टीमें हैं। तो ये जो टूर्नामेंट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होने वाला है। लेबनान से इंडियन फुटबॉल टीम इस साल 2 बार मैचेस खेलने वाली है, किंग्स कप के अलावा मेरेडेका कप जो कि सितंबर में ही मलेशिया में होस्ट किया जाएगा, इसमें भी इंडियन फुटबॉल टीम लेबनान के अगेंस्ट मैच खेलेगी। किंग्स कप की बात करें तो ये बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी और ये टूर्नामेंट फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस टूर्नामेंट में काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर लाइक रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और ओबामेयांग जैसे प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडियन फुटबॉल टीम ने 2 बार 1997 और 2019 में किंग्स कप में पार्टिसिपेट किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इंडियन फुटबॉल से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।